दो सेक्शन की बात करेंगे हम लोग, एक है सेक्शन 13 आजाद को अंतरण, और सेक्शन 14 जो है शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण। शाश्वतता, परपिचुटी, अनिश्चित काल के लिए किसी संपत्ति को स्थिर कर देना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में भी आपको यह बताया था कि आदमी का बस चले तो वो चिता पर से भी ये निर्धारित करेगा कि मेरी संपत्ति का यूज कैसे होना चाहिए। संपत्ति से मोह छूटता नहीं है और पूरा जीवन वो केवल संपत्ति कमाने में लगाता है, और उस संपत्ति से इतना मोह होता है कि कभी कभी तो ये देखा जाता है कि रिश्तेदारी पे भी बड़ी संपत्तिदारी हो जाती है, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि वो संपत्ति का उपभोग मरने के बाद भी करता रहे, अगर उसका बस चले तो ऊपर भी ले जाए, ठीक है। तो संपत्ति इतना अटैचिंग चीज है कि आदमी जो इसमें कहते हैं ना कि मोह में जो पड़ा वो कहीं का नहीं रहा, और संपत्ति में बहुत मोह है। तो इस चीज को, इस थ्योरी को आप एक चीज समझिए कि संपत्ति नश्वर प्रकृति की होती है, संपत्ति का हमेशा विनाश होता है। तो जो चीज नश्वर प्रकृति के है आप उसको अविनाशी घोषित कैसे कर सकते हैं, आप उसको हमेशा के लिए कैसे रख सकते हैं। संपत्ति कैसी होती है, बहुत तेजी से एक दूसरे से, एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये जो 13 और 14 है ये आज इसी के ऊपर हमारा क्लास इसलिए है क्योंकि आप ये संपत्ति का मैनेजमेंट का जिस्ट है, शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण, हमेशा के लिए आप अंतरण नहीं कर सकते, ये 14 बताता है। हमेशा के लिए अंतरण नहीं कर सकते मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए बंधक नहीं बना सकते, एक तरह से बंधक ही बना देना हुआ। अगर मैं ये कहूं शेख चिल्ली का नाम सुना है, शेख चिल्ली, अरे कॉमिक में भी आता है, क्या आता है कि एक आदमी रहता है रेलवे स्टेशन से जा रहा होता है, और रेलवे स्टेशन पे वो कूली का काम करता है, बहुत गरीब स्थिति रहता है। तो एक आदमी उसको मिल जाता है रेलवे स्टेशन पे, वो आटा लेके आता है एक मटके में, ठीक है, पुराना कहानी है। तो मटके में आटा लेके आता है और वो बोलता है कूली कूली, तो वो शेख चिल्ली जाता है, शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति रहता है, वो आटा अपने सर पे रखता है और चलता जाता है, बात करता है, बोलता है कितना रुपए, तो 5 रुपए लगेगा। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है 5 रुपए लगेगा, तो वो ऐसा रख लेता है, फिर सोचते सोचते जाता है कि 5 रुपए का ये हो गया, आज दिन भर में कम से कम 10 ट्रिप मार दूंगा, 50 रुपए हो जाएगा, एक मुर्गी खरीद लूंगा, मुर्गी 2 अंडे देगी, वो 2 अंडे से फिर चूजे निकलेंगे, और चूजे से फिर वो संपत्ति बढ़ेगी, और वो संपत्ति बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि मैं बकरी खरीद लूंगा, फिर बकरी बहुत सारी हो जाएगी तो उसको बेच के मैं भैंस खरीद लूंगा, और भैंस खरीद लूंगा बहुत सारा तो अच्छा संपत्ति हो जाएगा, डेयरी खोल लूंगा, और अच्छी संपत्ति हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो बीवी घर में आ जाएगी, और बीवी घर में आ जाएगी तो मेरी सेवा करेगी, और सेवा करेगी तो पैर दबाएगी, और पैर दबाएगी और लड़ाई झगड़ा कर रही है, और बीवी मेरे को गाली दे दी, अब मैं पैर से एक मार दिया, और जब वो पैर से ऐसे मारा तो जो गागर था वो नीचे डंप से गिर गया। मालिक बोलता है अरे तू क्या किया, मेरी 5 किलो आटा गिरा दिया तुमने, तुमको 5 किलो, फिर पलट के क्या बोलता है कि तुमको 5 किलो आटे की पड़ी है, मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो गई। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी बहुत दूर की सोचता है, आदमी प्लान बहुत लंबा लंबा बनाता है, जब पालन करने की बात आती है तो पालन नहीं हो पाता, लेकिन प्लान अगर आप देखो तो आप सोचे सोचे बैठे बैठे क्या देखोगे कि मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, और एक दिन बहुत बड़ा रईस बन जाऊंगा, और होगा कुछ नहीं, कल से करेंगे, कल से करेंगे,
और कल कभी आता नहीं है। तो शाश्वतता के विरुद्ध अंतरण का यही सिद्धांत है कि आप किसी संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए या शाश्वत काल के लिए बंधक नहीं बना सकते। शाश्वत काल के लिए बंधक नहीं बना सकते मतलब, अब ये वर्ड आ जाता है शाश्वत काल। शाश्वत, ऐसी कौन सी अवधि मानी जाए जिसको हम शाश्वत मान लें? कौन सी मैक्सिमम पीरियड मानी जाए जिसको हम शाश्वत मान लें? ठीक है, तो धारा 14 के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को अंतरण करता है, संपत्ति अंतरित करता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम अवधि क्या होगी? मान लो ए ने बी को कहा कि ये संपत्ति जो मेरी है, एक्स वाई जेड कोई भी संपत्ति है, वो तुम अपने जीवन भर के लिए लोगे। कब तक के लिए? जीवन के लिए। और उस जीवन के बाद जो संपत्ति होगी वो तुम्हारे आजन्मे पुत्र को जाएगी। आजन्मे पुत्र, आजन्मा पुत्र मतलब जो अभी जन्म ही नहीं लिया है, ठीक है, जो अभी जन्म ही नहीं लिया है उसको जाएगी। और उसके बाद उसके लड़के जो कि आजन्मे हैं, जब ये आजन्मा है तो इसका लड़का भी आजन्मा ही होगा है? नहीं होगा, पहले आ जाएगा है? बाप से पहले बेटा तो नहीं आएगा? तो ये आजन्मे पुत्र का जो आजन्मा पुत्र है उसको चला जाएगा, ठीक है। कौन कह रहा है? ए कह रहा है बी को, ठीक है। यहां संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि बी के जीवन काल के लिए, और ये जो आजन्मा व्यक्ति है अगर इसके जीवन काल में पैदा हो जाता है, संभावना है कि इसका लड़का पैदा भी होगा कि नहीं होगा? होगा, कौन बोल रहा होगा? ठीक है, अगर हो गया तो उसको पैदा कब होना पड़ेगा? बी के जीवन खत्म होने से पहले। और बी के जीवन खत्म होने के पहले अगर वो पैदा हो गया तो अधिकांश समय मतलब 18 वर्ष व्यस्कता की आयु है, जो वर्ड आप देखेंगे उसमें अधिकांश समय व्यस्कता की आयु तक उसको संपत्ति को रोका जा सकता है, ठीक है, उसको गवर्न किया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे गवर्न नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि 18 वर्ष मैक्सिमम अवधि तक आप रोक सकते हैं, इसके बाद अगर आप रोकते हैं तो यह माना जाएगा यह शाश्वत काल के लिए आप रोक रहे हैं। इतना समझ में आया? ये सेक्शन 13 इसी से मिलता जुलता है। सेक्शन 13 बोलता है अजात व्यक्ति को अंतरण किस तरह से करेंगे, उसकी तरीका बताया है। 14 का ही एक रूप है सेक्शन 13। तो यहां ये कहा गया है अजात व्यक्ति के अगर लाभ के लिए आप कोई अंतरण कर रहे हैं तो वो लाभ के लिए कब तक का अंतरण करेंगे? तो ये कहा गया है उसको जो अंतरण किया जाएगा वो संपूर्ण हित का किया जाएगा, संपूर्ण हित का। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे ए ने कहा बी को कि तुमको जीवन भर के लिए और उसके बाद तुम्हारे आजन्मे इसको आजन्मे पुत्र को कितने दिन के लिए? जीवन भर के लिए, उसके जीवन भर के लिए, और उसके बाद इसके आजन्मे पुत्र को जीवन भर के लिए। तो यहां ये सेक्शन 13 में कहा गया है कि संपूर्ण हित किसको देना पड़ेगा? आजन्मे या आजात को, ठीक है। आप ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते कि इसको जीवन के लिए और इसको उसके बाद, इसको बचा हुआ पूरा हित देना पड़ेगा, पूरा हित इसको देना पड़ेगा, ठीक है। आप संपत्ति इसके आगे जाके नहीं रोक सकते, ये सेक्शन 13 कहता है। इतना आया समझ में? शॉर्ट में यही है, कल विस्तृत में चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक।